मेला कमेटी के जितने भी मेंबरान से मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ, मोहसिन हुसैन उर्फ अर्शी, लुकमान अंसारी, मशहूद अहमद, महमूद अहमद, सैयद फराद, मोनिस हुसैन, लुकमान अंसारी, जुबैर अंसारी, मेला कमेटी के जितने भी और मुशारा कमेटी के जितने भी मेंबरान से मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ये लोग डाइस पर आ जाए। और मोहतरम रेहान हाशमी, मेरी आवाज अगर उनके कानों तक गूंज रही हो मोहतरम रेहान हाशमी, तो वो भी डाइस पर तशरीफ ले आए। मैं मेला कमेटी के अध्यक्ष इसरार अहमद साहब से मैं दरखास्त करता हूं कि वो धीरे धीरे ऊपर मंच की तरफ आ जाएं, ऊपर आ जाएं, दो मिनट के लिए इधर आ जाइए एक मिनट, या महमूद अहमद हो वो आ जाए, फराज अहमद, कोई भी हो आ जाए एक आदमी। दोस्तों मुशारे व कवि सम्मेलन की रिवायत रहती है कि इस मुशारे के एक सदर का इंतखाब होता है। मैं आज इस अजीमुशान कुल हिंद मुशारे के सदर, मेंबर असेंबली, साबिक वजीर, हम सब विधानसभा से शानदार विधायक मोहतरम हाजी फरीद महफूज किदवई साहब के सदर के इंतखाब के लिए मैं एफआई हुसैन शिबली साहब से ये चाहता हूँ कि सदर के इंतखाब की तायद करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए कुलपोशी की कार्रवाई का भी सिलसिला शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले अरकीनी कमेटी से चाहता हूं कि आज इस अजीमुशान कुल हिंद मुशारे के मेहमान खुसूसी साबिक काबिनी वजीर, कौमी सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी और आज इस मुशारे के सदर मोहतरम हाजी फरीद महफूज किदवई, मेंबर असेंबली, साबिक वजीर, इन दोनों मेहमानों का और समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जमान के तौर पर यूं कहें कि इस वक्त टीवी चैनलों पर बेबाकी से अपनी बात रखने का जिसे ये फन हासिल है, जिसे ये शऊर हासिल है, उस शख्सियत के नाम मोहतरम फराज किदवई है। मोहतरम फराज किदवई, मोहतरम अरविंद कुमार सिंह गोप, फरीद महफूज किदवई, ख्वाजा बजवी यूनुस, जितने भी ये मेहमान हैं इन सब की गुलपोशी करके इन सब का इस्तकबाल करें। मेल मुशारा कमेटी, मोहसिन हुसैन अर्शी, कर्मिने मुशारा, फराज किदवई से गुजारिश करता हूं कि वो आगे आ जाए। मोहतरम फराज किदवई, फजल इनाम मदनी साहब भी आ जाए। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं इस मुशारे के सदर मोहतरम हाजी फरीद महफूज किदवई साहब को बुके देकर शाल पेश करके उनका इस्तकबाल करें मोहतरम एहसास हुसैन शिबली। आज इस मुशारे के मेहमान खुसूसी साबिक काबिनी वजीर, कौमी सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी, हम सब के हर दिल अजीज नेता मोहतरम अरविंद कुमार सिंह गोप साहब को मोहतरम मोहसिन हुसैन साहब से गुजारिश करता हूं कि उन्हें बुके और शाल देकर उनका इस्तकबाल। इरम एजुकेशन सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरम बजवी यूनुस साहब की गुलपोशी मोहतरम सैयद फराज अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि बजवी यूनुस साहब की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल।
समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान के तौर पर अपनी खिदमत को अंजाम देने वाली शख्सियत हम सबके बड़े भाई मोहतरम फराज किदवई साहब की गुलपोशी मोहतरम नसीम राइन साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल। बार एसोसिएशन के नायब सदर अमीनुद्दीन एडवोकेट साहब की गुलपोशी मोहतरम लुकमान अंसारी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो उनकी गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान के तौर पर नौजवान शख्सियत मोहतरम फैजान किदवई साहब तशरीफ रखते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मशहूद अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि मोहतरम फैजान किदवई साहब की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल। मोहतरम मोहम्मद अहमद शहनशाह जिला पंचायत सदस्य उनकी गुलपोशी करके मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम सिराज उर्फ मीनू से कि मोहम्मद अहमद शहनशाह साहब की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल। सिरोही गाजपुर से जिला पंचायत सदस्य मोहतरम विजय यादव साहब तशरीफ रखते हैं। मैं रेहान हाशमी साहब से गुजारिश करता हूं कि मोहतरम विजय यादव साहब की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल। रेहान हाशमी अगर मेरी आवाज उनके कानों तक गूंज रही हो तो डाइस पर तशरीफ ले आए। अताउर रहमान साहब से गुजारिश करता हूं कि मोहतरम विजय यादव साहब की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल। इंतखाब आलम नौमानी साहब तशरीफ रखते हैं। मोहतरम शिबली साहब से गुजारिश करता हूं कि इंतखाब आलम नौमानी साहब की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल। दोस्तों आज इस अजीम शान कुल हिंद मुशायरे में दो शख्सियत को अवार्ड भी करना है। इस अवार्ड के लिए मैं मोहतरम फजल इनाम मदनी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और ये दुआएं। मुशायरा कमेटी ने तालीम के मैदान में और जो लिटरेरी अदबी सरगर्मियां हैं उनके लिए अवार्ड देने का फैसला किया है और उसमें उन्होंने जिसका इंतखाब किया है वो है डॉक्टर बज़मी यूनुस साहब। मैं मोहतरम फरीद महफूज किदवाई साहब से, जनाब अरविंद कुमार सिंह गोब साहब से और डॉक्टर अंजुम बारा बंकी साहब से गुजारिश करता हूं कि बज़मी यूनुस को मुशायरा कमेटी की तरफ से वो अवार्ड पेश करें। दूसरा अवार्ड है जो उर्दू जबान अदब और कल्चर को प्रमोट करने के लिए इन सरकर्मियों को फरोग देने के लिए दिया जा रहा है
वो जनाब एस एम हारिस को है। एस एम हारिस बाराबंकी ज़िले की कई अदबी तंजीमों से वाबस्ता हैं, चाहे वो देवा मेला कमेटी हो, चाहे वो साझी वरासत हो, या मुख्तलिफ उर्दू कबीला हो, या फोरम फॉर माइनॉरिटीज़ हो, इन सब से वो वाबस्ता हैं। मैं एस एम हारिस साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना ये अवार्ड हासिल करें मोहतरम अरविंद कुमार सिंह गोप साहब से, जनाब मंजर भोपाली साहब से और फराजुद्दीन कदमाई साहब से। जनाब मंजर भोपाली साहब, जनाब अरविंद कुमार सिंह गोप साहब और फराजुद्दीन कदमाई साहब से। ये अवार्ड जनाब बज़मी यूनुस साहब ने कबूल किया और एस एम हारिस ने उनका शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं शोहरत याफ्ता नाजिम जनाब रजा मारूफ रायबरेली साहब को ज़हमत दूँ, इससे पहले जो मुशायरे का आगाज़ है उसका बाकायदा इफ्तिताह है शम्मा अफरोज़ी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अरविंद कुमार सिंह साहब से और फरीद महफूज किदवाई साहब और तमाम मेहमानान उनके साथ हों, डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी और वो शम्मा अफरोज़ी। हमारे दरमियान सत्रिक नगर के कई बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले चेयरमैन हम सबके बड़े मोहतरम रेहान कामिल साहब तशरीफ रखते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान के तौर पर अपनी खदमात को अंजाम दे रहे हैं। नौजवान मोहतरम फैजान किदवई साहब से गुजारिश करता हूं कि रेहान कामिल साहब का इस्तकबाल करके उनका